सुप्रीम कोर्ट भी एक मंदिर है, वो न्याय का मंदिर है और एक आस्था का मंदिर है। न्याय के मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो उसे सभी को मानना चाहिए और उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि न्याय के मंदिर से जो फैसला आएगा वो आस्था के मंदिर में आएगा। दूसरी बात, इसकी ये जरूरत नहीं अगर पड़ती उस फैसले का, मैं समझता हूं कि हिंदू का बच्चा बच्चा और हर वर्ग भगवान में आस्था रखता है, हर व्यक्ति ईश्वर को मानता है। इसे हिंदुस्तान का मैं समझता हूं कोई हिंदू नास्तिक नहीं होगा, सारे हिंदू आस्तिक हैं और सनातनी हिंदू हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो शांति नहीं रहने देना चाहते देश को, और इस फैसले का सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी मनाएगा तो इस देश की जनता मनाएगी, लेकिन अंदर से मनाएगी। देश की जनता अपनी खुशी का इजहार नहीं होने देगी, और इस सरकार को सबसे ज्यादा खतरा है, परेशानी में कोई डालेगा इस सरकार को, या कानून व्यवस्था हाथ में कोई अगर लेगा तो बीजेपी के लोग लेंगे, आरएसएस के लोग करेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग अशांति भंग करेंगे। अगर ये लोग ठीक हो जाए तो पत्ता नहीं इस देश में हिल सकता। भगवान ने गीता में कहा है कि चाहे कितनी बड़ी खुशी मिले, अंतर तो खुश होना चाहिए लेकिन खुशी जाहिर नहीं होना चाहिए। कितना भी व्यक्ति के ऊपर दुख पहाड़ संकट टूट जाए, हर हाल में आदमी को एक सा होना चाहिए, संकट को भी सहन करना चाहिए और खुशी को भी सहन करना चाहिए। मुसलमान के धर्म आचार्य और धर्म गुरुओं ने सबने स्वागत किया कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम सभी लोग मानेंगे और हम सब लोग उस फैसले का स्वागत करेंगे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक बागरी कमेटी के जो लोग थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, लेकिन भाजपा के लोग आरएसएस के लोग अभी से बयान देने लगे, ऐसी कट आलोचना ऐसे कट बयान देते हैं जो लोगों को बुरा न लगे उन्हें बुरा लग गया। भगवान राम को सुबह हम लोग उठते थे राम राम करते, बुजुर्गों से करते, हर आदमी भगवान राम के नाम लेता है सारी चीज, लेकिन जिस तरह ये चुनौतीपूर्ण जैसे लोकसभा विधानसभा में जय श्री राम जय श्री राम जैसे चुनौती दे रहे हैं, भगवान में आस्था नहीं रखते, ये भगवान को आगे करके चुनौती देते लोग, वहां विवाद होता है, दूसरे लोगों की भावनाओं को भड़काओगे, दूसरे लोगों को चुनौती दोगे, अपमानित करोगे, बेइज्जत करोगे, ऐसी भाषा बोलोगे तो आक्रोश पैदा होता है। 90 से पहले अयोध्या में कोई विवाद नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। यह श्रेय तो सही मायने में राजीव गांधी को जाना चाहिए, इसका ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। बीजेपी के लोग इसे उड़ाए हैं कि हमारे ही भगवान है हिंदुस्तान में, और किसी के भगवान है ही नहीं, इन्हें जैसे भगवान राम को घर भी लिया हो, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। हम सरकार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि देश में कुछ नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारे वर्ग हर धर्म स्वागत करेगा, लेकिन आपने अपने लोगों पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। आप अपील देश के लोगों से कर रहे हैं, देश की जनता कहीं कोई इसमें विवाद खड़ा नहीं करेगी, न प्रदेश की जनता करेगी, न कोई किसी वर्ग न कोई धर्म का व्यक्ति करेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आपसे मेरी प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री आप अपने लोगों पर नकेल कसिए, अगर आप लोग ठीक रहेंगे शांति से रहेंगे तो इस देश में पत्ता नहीं हिलेगा। जो खतरा सरकार को होगा वो आपके आरएसएस हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे जो संगठन जो लोग हैं जे अत्युत्साही ये पता नहीं कहाँ बवाल करने कहाँ चिल्लाने लगे, किस धर्म के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, कहाँ गालियाँ देने लगे, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता भी होगी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, हर आदमी चाहते हैं।